अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें। ये मैंने एक छोटा कैबेज ले लिया है, बंद गोभी, और इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये हरी प्याज है। ये एक बड़ा गाजर ले लिया था, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और एक ये बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी हमने स्क्वायर स्क्वायर चॉप कर लिया है। इसके अलावा ये चिकन है, ये 1.5 पाव चिकन है। इसको मैंने नमक और लहसुन का पाउडर डाल के बॉईल कर लिया था और फिर उसके रेशे बना लिए। ये सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून है। ये जो है ये चिकन क्यूब है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। चिकन, ये 2 चिकन क्यूब्स हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। ये नमक है, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, क्योंकि ये चिकन क्यूब में भी नमक होता है। और ये 1 टेबल स्पून क्रश ब्लैक पेपर है, कुटी हुई काली मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आएँ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रोल पट्टियाँ मैंने साइड पे रखी हुई हैं, अभी फ्रिज से निकाल के वो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी जब हम रोल बनाएंगे। अब पैन में हमने ऑयल ले लिया है। ये ऑयल हमने बिल्कुल 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना इसमें। फिर हमने इसमें पहले शिमला मिर्च और गाजर डाल देनी है। आँच इसकी तेज़ रखनी है कि ये सब्जियाँ पानी ना छोड़ दें। इसमें गोभी ऐड कर देनी है, हरी प्याज हमने एकदम एंड में डालनी है। हमने इसमें ये क्यूब्स ऐड करने हैं, नमक और ये मसाले सारे हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ये हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने ये मसाले सारे मिक्स करके इसको तेज आंच पे फ्राई करना है। इसमें हमने ये सोया सॉस और अब ये चिली सॉस भी डाल देनी है और इसका फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। अब चिकन ऐड करेंगे। अब ये चिकन ऐड करके हम
तेज आंच पे ही इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अब लास्ट में ये हमने हरी प्याज ऐड कर दे रही है इसके अंदर। बस हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर हम इसके रोल बनाएंगे। और ये हमने बना लिया है एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है मैदा और पानी का, इससे हम रोल को स्टिक करेंगे। वहाँ स्टार्ट करते हैं हम रोल बनाना। ये हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं, जब हम रोल बनाएंगे। ये इसका मसाला भी ठंडा हो गया है, ये रोल की पट्टियां हैं। अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसमें थोड़ी थोड़ी फिलिंग्स डालनी है। हमने इसको अच्छे से टाइटली रोल कर देना है। हमारा रोल रेडी है। इसी तरह हम और रोल्स भी बनाएंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा मत भरिएगा वरना वो रोल फटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पट्टियाँ भी इतनी ज़्यादा भरी नहीं हैं। अब ये हमारे रोल्स बनके रेडी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये जो रोल्स हमने बनाए थे ये अपने हमने इसको हम फ्रिज में रखने के लिए हमने जितने हमने फ्राई करने थे उसे हम फ्राई करेंगे और बाकी जो हैं हम इसको सेव करेंगे कि ये रमज़ान में दो चार दिन और चल जाएंगे। तो ये हमने इस तरह से इसकी लेयरिंग की है। पहले एक लेयर लगाई है, उसके ऊपर हमने कोई बटर पेपर रख दिया। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो ये मैंने, ये नई शॉपर है तो ये मैंने एक लेयर शॉपर की लगाई है और एक लेयर फिर रोल्स की लगाई है, फिर शॉपर, फिर रोल्स। इस तरह से मैंने ये सारी इसकी लेयरिंग कर दी है कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो अब आप इसको बॉक्स में करके फ्रिज में रख सकते हैं।